Hey guys, welcome back to my channel Unlock the Locked by Ashay. Please don't forget to like, subscribe, comment and share this video to the max you can. आज हम बात करेंगे बिफोर द रेस, यानी कि अक्टूबर में रेस थी, सो जुलाई से सितंबर तक के पीरियड का पूरा प्रेप हमारा कैसा रहा, बिकॉज ये पीरियड में हम अपने आप को मोर ऑफ रेस रेडी, रेस सिमुलेशन के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे उस दिन आप परफॉर्म करोगे. सो यहाँ पे टू स्टार्ट विथ ओपन वाटर स्विम जो एक चीज़ थी जिसके लिए मैंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल किया था इस चीज़ के लिए, बिकॉज ओपन वाटर स्विम जो आपकी एक्चुअल रेस रहती है वो भी क्या होती है, सी में होती है. और इसके पहले जो जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, यू आर प्रिपेयरिंग मोर इन टर्म्स ऑफ पूल और उसमें स्विम करना, तो ओपन वाटर स्विम का एक एक्सपोजर होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप भी ऐसी कोई एरिया में जहां पे लेक या जहां पे मोर ऑफ कोस्टल एरिया है, तो इंश्योर करो कि आप उसका एक्सपीरियंस ले लो. सो हमने अल्टरनेट वीकेंड्स पे हम ट्राई करते थे कि हम ओपन वाटर स्विम के लिए जाए. ओपन वाटर स्विम थोड़ा दूर रहता है, जैसे जहां तक गुड़गांव की बात है, यहां पे एक लेक है भारद्वाज लेक करके, तो हम लोग को हम जनरली सैटरडे संडे को ट्राई करते थे वहां पे जाए. वहां का एक्चुअली द स्ट्रगल इज रियल, बिकॉज वहां जाना ही इज इटसेल्फ अ चैलेंज, बिकॉज यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस ऑलमोस्ट एक घंटे का है. सो अगर आपको सुबह को सपोज वहाँ पे हम लोग 6 बजे स्टार्ट करते थे, सो वी यूज़ टू इंश्योर कि हम लोग 4 to 5 ट्रैवल करें. 4 to 5 ट्रैवल करना है तो आपको कहीं ना कहीं 2-3 बजे उठना है टू गेट रेडी फॉर दैट थिंग, एंड फिर फाइट वहाँ 5 बजे पहुँच के वो इतने इंटीरियर में है कि आपको वॉक करके जाना है, विच अगेन टेक्स 3-4 किलोमीटर्स फॉर यू टू वॉक एंड गो देयर एंड स्टार्ट द स्विम. उसके अलावा हमारे जो क्लब ने, ट्राई क्लब ने कुछ कुछ स्विम इवेंट्स कराए थे हमसे, विच वॉज मोर ऑफ एंड्योरेंस, 1.5 किलोमीटर स्विम, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्विम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को प्रिपेयर हो जाना है कि हाँ यार मेरी रेस आ गई है उस चीज़ के लिए. तो दैट वॉज अनदर थिंग. उसके अलावा लोकल रेसेस में भी हमने अपने आप को एनरोल कराना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई रिमेंबर देर वॉज दिस रेस टू स्टार्ट विथ. जुलाई में एक रेस थी विच वॉज ऑन 9 जुलाई, फुट लूज रन करके, विच वॉज अ 10.5 किलोमीटर रन. वो मैंने अराउंड 6 मिनट्स के अराउंड, पर किलोमीटर के अराउंड में क्लोज की थी. फिर एक और थी विच वॉज ऑन 6th of August, HR 26. दिस वॉज मोर ऑफ अ स्प्रिंट ट्रायथलॉन. यहाँ पे 750 मीटर वॉज अ स्विम फॉलोड बाई 20K बाइक एंड 5K रन. दिस वॉज मोर ऑफ ए वेरी स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओलंपिक डिस्टेंस. देन देर वॉज टफमैन इन चंडीगढ़ विच वॉज ऑन 27th August, विच वॉज अ ओलंपिक ड्यूथलॉन, विच वॉज 40K बाइक एंड 10K रन. बिकॉज वहाँ पे भी मैंने लेक में कहीं ना कहीं एनरोल नहीं किया था, बिकॉज मेरी थोड़ी बहुत तो फटती थी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेप्टेम्बर में कराया था, विच वॉज डेली इंटरनेशनल स्विमेथॉन, विच वॉज ऑन 24th September में वो हुआ था, विच वॉज अ ओलंपिक डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर स्विम. तो ये सब मैं आपको डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इफ़ यू लुक एट राइट फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहीं ना कहीं हम अपने आप को वो सब रेसेस में एनरोल कर रहे थे, अपने आप को वो कंडीशन में डाल रहे थे टू इंश्योर दैट कि हम रेस डे में अच्छे से परफॉर्म कर पाए. यहाँ पे जो एक और चीज़ है, इट वॉज मोर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशनिंग, बिकॉज जो आप देखोगे जैसे कि अगर कोई ड्यूथलॉन है या कोई ट्रायथलॉन है, वहाँ पे आपको कैसे ट्रांजिशन करना है वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर कि क्या चीज़ें आपकी रेडी है बिफोर यू मूव टू दैट लेग और बिफोर यू मूव टू दैट कोर्स. सो ऑल एंड ऑल दैट वॉज आई बिलीव जैम पैक्ड मंथ्स, जहाँ पे हम बैक टू बैक रेसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अपने आप को फाइनल रेस के लिए रेडी कर रहे थे. इसके अलावा ये तो बात हो गई रेस की, इसके अलावा मैं थोड़ा सा बताऊंगा अबाउट न्यूट्रिशन, बिकॉज जहाँ मैंने ट्रांजिशनिंग की बात करी वहीं पे न्यूट्रिशन भी आ जाता है, बिकॉज न्यूट्रिशन में कैसा है कि स्विमिंग
तो स्टार्ट विद स्विमिंग, स्विमिंग के पहले आप जनरली क्या करते हैं और जो हम करते थे कि वी यूज़ टू टेक अ जेल, जैसे फास्ट एंड अप का एक जेल ले लिया विच आई बिलीव हैव 70 किलो कैलोरीज, सो वो ले लिया, उसके बाद आप तुरंत स्विम में आए. स्विम में ड्यूरिंग द स्विम यू वोंट कंज्यूम एनीथिंग, सो वहाँ से आप मूव हुए अपने बाइक में. यहाँ पे आपका ट्रांजिशनिंग रहता है, वो ट्रांजिशनिंग क्या रहता है कि अगर आप ट्राई सूट पहन रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्विम में ट्राई सूट में उतरोगे, फिर तुरंत आप जब बाइक में आओगे उसके पहले आप तुरंत अपने कैप्स एंड गॉगल्स निकालोगे, तुरंत अपना शूज डालोगे, हेलमेट डालोगे एंड यू विल मूव टू बाइक. व्हेन यू मूव टू द बाइक उसमें क्या रहेगा, तुरंत ही आपको इंश्योर करना है कि अगर आपकी 2-3 घंटे की राइड है तो एटलीस्ट पर आर यू एटलीस्ट हैव 500 to 750 ml ऑफ वाटर अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स. उसके लिए यू कैन यूज लाइक फास्ट एंड अप टैब जो मैं यूज़ करता था. अलॉन्ग विद दैट इन दैट 1 hour यू ऑल्सो हैव टू हैव सम सॉलिड्स. नाउ हियर कम्स द मिक्स कि आप वट एक्चुअली फील कम्फर्टेबल टू यू. ये चीज़ के लिए यही आपकी प्रेप सीजन में आपको बताया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें लो जो आप फाइनल रेस में लोगे, सो दैट यूर गट गेट्स यूज टू इट. फॉर एन एग्जाम्पल इन टर्म फॉर सॉलिड्स आप डेट्स ले सकते हो, आप बनाना ले सकते हो, आप पोटैटो ले सकते हो, आप बार्स ले सकते हो, आप जेल्स ले सकते हो, ये सब चीज़ें रहती है. अभी आपको अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है. एंड यही रीज़न होता है कि ड्यूरिंग द ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग सीजन आप ये चीज़ें यूज़ करते रहो, देखते रहो कितना क्या कैसे आपकी बॉडी को सूट कर रहा है. जनरली 1 घंटे में कहीं ना कहीं 1.5 to 2 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपको बताया जाता है कि इतना आपको लेना है. तो वी यूज टू एंश्योर कि एज एन वेन वी आर ऑन द सैडल तो इनिशियल पीरियड में ही हम सॉलिड्स कंज्यूम कर लें, एंड वंस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट बाइक कोर्स हम स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ लिक्विड, सो दैट वो अच्छे से एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट भी हो जाएगा. एंड देन वेन यू मूव ऑन टू द रन तो तुरंत ही क्या करोगे, आप अपना हेलमेट वेलमेट निकालोगे, यू विल वेयर योर कैप एंड यू विल चेंज योर शूज एंड यू विल मूव फॉर द रन. वो रन में अगेन यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ लिक्विड्स, मोर ऑफ जेल्स, सो दैट कि आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले और आप अच्छे से थ्रू आउट परफॉर्म कर पाओ. सो ये पूरा का पूरा एक आपको चीज़ें क्या कहते हैं कहीं ना कहीं याद हो जाती है जब आप फाइनल अपने रेस के लिए जाते हो, और उस हिसाब से ही ये चीज़ों को आप हर एक स्टेशन पे प्रिपेयर करके मूव करते हो. अब आते हैं रेस्ट एंड रिकवरी. यस, रेस्ट एंड रिकवरी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जनरली क्या होता है कि आप महीने में एक आध बार मसाज करा लेते हो, आप कभी फिजियो के पास चले जाते हो, कोई नीडल सेशंस के लिए चले जाते हो, कि आपकी बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर और ये सब हुआ है दैट गेट्स व्हाट अगेन फिक्स्ड देयर एंड देयर इटसेल्फ, राइट. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है आपको ये पूरे के पूरे सीजन में पता नहीं चलता है कि क्या आपकी बॉडी हैज़ बीन थ्रू. सो बेटर कि आप ऑन रेगुलर कोर्स ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग डेज, ये सब चीज़ों को भी फिक्स करते रहो. सो आई बिलीव यार दैट वॉज ऑल अबाउट द पीरियड ऑफ जुलाई टू सेप्टेम्बर. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अबाउट द रेस डे एंड ऑल्सो अबाउट द टाइम वेन वी वर इन गोवा. Hope you have enjoyed this video and please don't forget to subscribe this channel. Till then, keep learning, keep inspiring, keep following, keep commenting, keep tagging, keep sharing. Stay lean, stay fit. Peace, India.